हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन एजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 13 मई 2019 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत जरूर देखें। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्रीय वैश्विक सुरक्षा सप्ताह के 2019 संस्करण का विषय क्या है? ऑप्शन ए सड़क सुरक्षा के लिए नेतृत्व, ऑप्शन बी सड़क सुरक्षा के लिए चलो, ऑप्शन सी सड़क सुरक्षा एक लक्ष्य है एक प्रवेश नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सड़क सुरक्षा के लिए नेतृत्व। बात करते हैं सड़क सुरक्षा नेतृत्व, जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है और ये प्रत्येक 2 साल में एक बार मनाया जाता है। अभी वर्तमान में ये 6 से 12 मई तक मनाया जा रहा है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि कब से कब मनाया जा रहा है, 6 से 12 मई तक मनाया जा रहा है और ये प्रत्येक 2 साल में एक बार मनाया जाता है, 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला राइट आंसर हो जाएगा ए सड़क सुरक्षा के लिए नेतृत्व, जो इस साल का संस्करण का विषय है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, मृणाल मुखर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी तमिल। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिल बंगाली, ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा बंगाली। जो मृणाल सिंह थे, मृणाल मुखर्जी है जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ये बंगाली के एक प्रसिद्ध अभिनेता है। बात करें बंगाली जो पश्चिम बंगाल में चलती है, ये पश्चिम बंगाल के एक प्रसिद्ध अभिनेता है। जो तमिल है वो तमिल में चलती है, कन्नड़ जो कर्नाटक में चलती है, और उर्दू जो जम्मू कश्मीर में चलती है। तो दूसरा राइट आंसर हो जाएगा सी बंगाली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मूल के लोगों की ब्लैकलिस्ट को छोड़ने का फैसला किया है? ऑप्शन ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गृह मंत्रालय। हाल ही में गृह मंत्रालय ने भारतीय मूल के लोगों की ब्लैक लिस्ट को छोड़ने का फैसला किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर, कौन सा भारतीय फिल्म निर्माता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर एक फिल्म का निर्देशन करेगा? ऑप्शन ए विशाल भारद्वाज, ऑप्शन बी संजय लीला बंसाली, ऑप्शन सी श्याम बेनेगल, ऑप्शन डी मणिरत्नम। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्याम बेनेगल। जो आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, एक श्याम बेनेगल है जो एक प्रसिद्ध निर्देशक है, फिल्म निर्देशक है ये, जो हाल ही में इन्होंने घोषणा की है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर फिल्म बनाने की। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा सी श्याम बेनेगल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर, निम्नलिखित में से किस गोल्फर को 2019 अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जस्टिन रोज, ऑप्शन बी टाइगर वुड्स, ऑप्शन सी रिक्की फाउलर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फाइव का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स जो एक प्रसिद्ध अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फर है, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर, CSIR के वैज्ञानिकों की टीम ने हाल ही में निम्न में से किस द्वीप के लोगों पर पहला आनुवांशिक अध्ययन किया है? ऑप्शन ए निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी माजुली, ऑप्शन डी रोसद्वीप। तो सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप। हाल ही में CSIR ने लक्षद्वीप के लोगों पर पहला आनुवांशिक अध्ययन किया है। जो लक्षद्वीप है वो केरल के अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप जो केरल के नज़दीक स्थित है। जो लक्षद्वीप की बॉर्डर है वो केरल से तट होती है और ये जो है अरब सागर पर स्थित है। माजुली की बात करें तो ये माजुली है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये भारत के असम राज्य में पड़ता है माजुली द्वीप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर, भारत के किस बैंक को 2018-19 की जनवरी मार्च तिमाही में 838.40 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है? ऑप्शन ए केनरा बैंक, ऑप्शन बी यस बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। तो सेवन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। हाल में भारतीय स्टेट बैंक को जनवरी से मार्च के मध्य में 838 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक जिसका मुख्यालय है मुंबई में स्थित है और भारतीय स्टेट के जो वर्तमान जो चीफ है CEO है वो है रजनीश कुमार। पंजाब नेशनल की बात करें तो पंजाब नेशनल का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में, और यस बैंक की बात करें तो यस बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर, निम्नलिखित में से किस एजुकेशन बोर्ड ने प्रिंसिपल और टीचर को
नेशनल अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए CBSE बोर्ड, ऑप्शन बी ICSE बोर्ड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र बोर्ड, ऑप्शन डी दिल्ली बोर्ड। तो आठवें वाला आइटम हो जाएगा ऑप्शन ए CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड ने हाल ही में एजुकेशन बोर्ड में प्रिंसिपल और टीचर को नेशनल अवार्ड सम्मानित करने की घोषणा की है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एयर हेल्प के द्वारा जारी की गई दुनिया के टॉप 10 हवाई अड्डों की सूची में कौन सा एयरपोर्ट पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए दुबई एयरपोर्ट, ऑप्शन बी हमाद एयरपोर्ट, ऑप्शन सी शंघाई एयरपोर्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे हमाद एयरपोर्ट है जो कतर की राजधानी दोहा में स्थित है और ये वहाँ का सबसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमाद एयरपोर्ट। तो हाल ही में जो एयर हेल्प के द्वारा जो जारी की गई दुनिया के टॉप 10 हवाई अड्डों की सूची में हमाद एयरपोर्ट को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जो आप तो सुन देख पा रहे हैं हमाद एयरपोर्ट है और यह कतर की राजधानी दोहा में स्थित है। आगे चलते हैं। और जो शंघाई एयरपोर्ट है वो चीन में पड़ता है और दुबई एयरपोर्ट है जो UAE की राजधानी अबू धाबी है। आपको बताऊँ UAE की राजधानी अबू धाबी है और जो दुबई है जो UAE के एक प्रसिद्ध शहर है। तो इसका राइट आंसर हमाद एयरपोर्ट 90 का जो कतर की राजधानी दोहा में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिटेन की एक कोर्ट ने किस देश के पूर्व फुटबॉल स्टार खिलाड़ी डेविड बेकहम पर 6 महीने तक ड्राइविंग करने पर बैन लगाया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो 10वें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। हाल में ब्रिटेन की एक कोर्ट ने इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल स्टार खिलाड़ी डेविड बेकहम पर 6 महीने तक ड्राइविंग करने पर बैन लगाया है। जो फुटबॉल के स्टार खिलाड़ी डेविड बेकहम है उनका संबंध इंग्लैंड देश से है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का अमेरिका ने किस देश के एक मालवाहक जहाज को जब्त कर लिया है? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इराक। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। अब बात करते हैं इनकी कैपिटल और करेंसी की। तो उत्तर कोरिया की जो कैपिटल है वो प्योंगयांग और उत्तर कोरिया की जो करेंसी है वो वॉन। दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल और दक्षिण कोरिया की जो करेंसी है वो वॉन। आपको ध्यान रखना है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों की जो करेंसी है वो सेम ही है, वॉन है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वॉन। अब बात करते हैं रूस की। तो रूस की जो कैपिटल है वो है रूबल और जो रूस की करेंसी है जो रूस की कैपिटल है वो है मास्को और जो रूस की करेंसी है वो है रूबल। इराक की बात करें तो इराक की कैपिटल है बगदाद और जो इराक की जो करेंसी है वो है दिनार। जो उत्तर कोरिया है दक्षिण कोरिया ये एशियाई कंट्री है और रूस जबकि रूस एक यूरोपीय कंट्री है और इराक एक एशियाई कंट्री है। तो 11वां राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तर कोरिया। हाल ही में उत्तर कोरिया पर अमेरिका ने मालवाहक जहाज को जब्त कर लिया है। उत्तर कोरिया के जो मालवाहक जहाज को जब्त कर लिया है अमेरिका ने, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11वां राइट आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जो आज के करंट अफेयर का 12वां क्वेश्चन है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। 12 मई को विश्व भर में किस प्रसिद्ध महिला के जन्मदिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए मेरी सिकोल, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटेंगल, ऑप्शन सी क्वीन विक्टोरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 12वां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटेंगल। जो आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे ये फ्लोरेंस नाइटेंगल है जिनके जन्मदिवस को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फ्लोरेंस नाइटेंगल। अब आगे बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑल इंडिया के सभी सोशल मीडिया के लिंक दिए हुए हैं, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया है, यहाँ पे जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों जो इस वीडियो की जो PDF है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर आप प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे फेसबुक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो इस लिंक पे क्लिक करके। ट्विटर भी हमें खुद फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे रेड बटन दिया हुआ यहाँ पे प्रेस करके आप डायरेक्ट हमारे ऑल इंडिया यूट्यूब चैनल पर पहुँच सकते हो, जिससे जो भी वीडियो हमारे द्वारा डाली जाती है वो सभी आपको समय पर प्राप्त हो सकती है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप समय पर प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी दोस्त या स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करें वो सभी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।